2022 का सेमीफाइनल है, चूंकि सात विधान बांगर मऊ सहित घाटमपुर की सात विधानसभा सीटों का आज उपचुनाव है। ऐसे में सुबह 7 बजे से लोग मतदान करने पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं। हम इस समय यहां पर खड़े घाटमपुर में, जो स्वर्गीय कमल रानी भड़ू जो मंत्री थी, यहां की विधायक थी, चूंकि उनकी कोरोना से मौत हो गई, ऐसे बाद उनके बाद से ये सीट खाली चली थी। तो आज लोग जो है इस सीट का भी, चूँकि यहाँ पर 6 उम्मीदवार हैं, उन सीटों का भी चुनाव आज ये लगातार होना है। सुबह से ये पोलिंग बूथ पर मौजूद है, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। तो इस पोलिंग बूथ पर तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो उपचुनाव है, आज वोट करने के लिए आए, किन चीज़ों को जहन में, उनके क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को सोच के वोट करने। क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता, क्या सोच कर आप आज मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए आए? हम इस वजह से आए हैं कि जो कोई हमें अगर सड़कें या कोई मतलब चीज उपलब्ध करेगा तो वो हमको उन्हीं को जिताएंगे। ऐसा करके पेंशन बढ़वाए, बुढ़े हो जाएंगे, कुछ सहायता देंगे, यही हम चाहते हैं भैया। हम सब कुछ विकास करें हमारे कस्बा का, तो हमें अच्छा लगे। आशा। अच्छा, कौन माता जी की उम्र कितनी है? 85। 85 साल। क्या सोच के आज वोट डालने आई है? अरे अच्छी सड़कें बने, बच्चों की सर्विस लगे, विकास हो, अच्छा बढ़िया नेता चाहिए। हाँ, देखिए जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुबह से ही शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हो गया था और सभी केंद्रों पर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी जो क्यूआरटी की टीमें हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।